thank you माय यूट्यूब की फैमिली आज देखिए मैं आपके लिए कुछ पार्टी वेयर कलेक्शन लेकर आई हूँ जो बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही इजीली आप इनको बना सकते हैं और इसमें हमने बहुत ज़्यादा सामान का यूज़ नहीं किया है थोड़े ही सामान से हमने इन सूट को तैयार किया है तो आप भी इनको तैयार कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और को बनाना सीखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैं आपको ये वाला सूट दिखाने वाली हूँ जो बहुत ही प्यारा बनकर आया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए सबसे पहले हम इस वाले सूट को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी शॉर्ट फ्रॉक तैयार की है और जो इसकी यहाँ पर देखिए ये अपर पार्ट है इसका यानी कि चोली वाला पार्ट है इस पर हमने डिज़ाइनिंग की है देखिए इस तरह के हमने यहाँ पर ये अलग कपड़े के ये पत्तियाँ काट कर हमने इसको उस पेपर पर अटैच किया और फिर यहाँ पर देखिए हमने इसकी ऑटोमेटिक सिंगर की मशीन से यहाँ पर आउटलाइन किया है देखिए और यहाँ बीच में हमने सिंपल सादी मशीन से यहाँ पर दो दो लाइन किए हैं ब्लैक कलर के धागे से यहाँ पर हमने सेम फैब्रिक के कलर का देखिए धागा लिया है तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसमें ये छह पत्तियाँ लगाई हैं और देखिए इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस, इसके बाद देखिए इसकी स्लीव्स देख लेते हैं स्लीव्स में मैंने यहाँ पर इस तरह से यही जो पत्ती का कपड़ा है उसको ऐसे आगे बढ़ाकर लगाया है और यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारी सी ये लेस लगाई है देखिए इस तरह से तो ये स्लीव्स भी हमारी सिंपल और बहुत ही प्यारी सी बनी है ये देखिए ऐसे घूम मैंने इसका सादा ही रखा है सिर्फ नीचे मैंने इसी कपड़े का बॉर्डर लगाया है ये देखिए ऐसे और बॉर्डर में मैंने यहाँ पर देखिए बॉर्डर को मैंने इसमें जब अटैच किया तो इसी कपड़े को जो हमारा बैक साइड का कपड़ा था इसको मैंने यहाँ बढ़ाते हुए लगाया है तो ये देखिए पाइपिंग की तरह बन गया है ऐसे ये देखिए इस तरह से इजीली तो इस तरह का हम एक डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं सूट को बहुत ही आसान तरीके से और जो मैंने इसका देखिए ये बनाया है ये मैंने इसमें शॉर्ट फ्रॉक पर गरारा बनाया है गरारा मैंने इसमें सिंपल ही बनाया है देखिए इस तरह से तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा सा हमारा सूट बन गया अगला सूट देख लेते हैं अगला सूट देखिए ये भी हमारा एक डिज़ाइनर सूट है ये देखिए यहाँ पर आप देखिए ध्यान ये रेडीमेड इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई थी तो यहाँ पर मैंने इसको देखिए इस तरह से इसको एक डिज़ाइनर लुक किया ये कुर्ती का सूट था लेकिन मैंने इसको फ्रॉक का लुक दिया है तो यहाँ पर मैंने ये अपर पार्ट में ले लिया इसका जो ये कढ़ाई हुई हुई थी और बाकी मैंने इसमें इस घूम इस सिंपल रखा है और नीचे बॉर्डर बनाया है देखिए बॉर्डर में हमने जो हमारा ये गरारे का मैंने इसमें भी गरारा बनाया है फ्रॉक पे तो जो गरारे का कपड़ा था उसको लिया है और इसमें इस तरह से मैंने देखी ये सीखियाँ लगाई हैं यानी जो बारीक कोटा आता है उसको लगाते हुए हमने इसको अटैच किया है इसमें भी हमने इसी तरह किया है इस कपड़े पे जब हमने बॉर्डर को लगाया तो यहाँ पर इसको हमने पलटते हुए ये कपड़ा पाइपिंग की तरह लगाया है तो आप भी ऐसे लगा सकते हैं ये देखें बहुत इसके मैंने दोनों साइड में ऐसे काम किया है बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी यानी कि पूरे घूम में हमने ऐसे ही इसमें काम किया है गला हमने इसमें सिंपल गोल रखा है स्लीव्स देख लेते हैं स्लीव्स इसकी बहुत ही प्यारी हैं यहाँ पर मैंने वही करारे का कपड़ा लिया और यहाँ पर भी मैंने इस तरह से देखिए सिक्किया लगाई और एक बात और ध्यान से देखेगा सिक्कि के साथ मैंने यहाँ पर इसके कलर को और उभारने के लिए इस तरह से सिंपल मशीन से एक एक लाइन मैंने इस तरह धागे की डाली हैं और ये भी आप ये आप कर सकते हैं अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं मैं आपको ये सीख बनाना सिखा दूंगी कि मैंने कैसे बनाया है स्लीव्स में देखिए इसकी बहुत ही प्यारी सी स्लीव्स हैं यहाँ पर हमने इस तरह से इसमें प्लेन कपड़े को लगाते हुए स्लीव्स को बनाया है और इसमें हमने यहाँ पर देखिए ये, ये बहुत ही प्यारी सी लेस लगाई है स्लीव पहनने के बाद बहुत प्यारा लुक देती हैं ऐसे रहती हैं ये बहुत अच्छी लगती हैं पहनने के बाद तो यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी ये स्लीव तैयार हो गई हैं और देखिए जो हमने इसका गरारा बनाया है वो भी थोड़ा सा डिज़ाइनर गरारा है इसका देखिए गरारा सिंपल गरारा बनाया है जो आजकल चल रहा है सीधे गरारे और इसके बॉर्डर में भी हमने देखिए इसी तरह का जो हमने आस्तीन में बॉर्डर बनाया था वही बॉर्डर हमने यहाँ पर भी दिया है और इस तरह से ये बहुत ही प्यारा सा एक डिज़ाइनर सा हमारा सूट बनकर रेडी हुआ है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं देखिए इस तरह से ये देखिए अब अगला मैं आपको जो कलेक्शन दिखा रही हूँ देखिए वो एक शर्क का डिज़ाइन है जो मैंने इसी गोट गोटे की देखिए बारीक सिक्के से तैयार किया है ये शर्क का हमारा एक कलेक्शन है सिंपल सी मैंने इसमें शर्क बनाई है फ्रंट से यहाँ से खोलते हुए और यहाँ पर हल्का सा मैंने इसको यहाँ से सी दिया है बाकी पूरी मैंने इसको ओपन रखी है और ये हमारे पास एक रेडीमेड कढ़ाई का कपड़ा था तो हमने थोड़ा सा इसको एक प्यारा सा लुक देने के लिए रेडीमेड लुक देने के लिए हमने इसमें देखिए हर यहाँ पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे मैंने यहाँ पर सिक्खिया लगाई है बैक साइड में भी और फ्रंट साइड में भी तो एक बहुत ही प्यारी सी हमारी ये शर्फ बनकर तैयार हुई है इस तरह से तो आप भी ऐसे बना सकते हैं स्लीव इस मैंने इसकी सिंपल रखी है स्लीव मैंने कोई डिजाइन नहीं बनाया है बॉर्डर में भी कुछ नहीं बनाया है बस पूरे में मैंने इसमें सीखिया का इस्तेमाल किया है तो आप भी इस तरह का एक डिजाइनर सा शर्ट तैयार कर सकते हैं तो आपको कैसे लगे मेरे आर्टिकल्स अगर पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कलेक्शन के साथ तब तक के लिए थैंक यू